आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। तो चलिए आज एक पजल लेकर के आए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आजकल है, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है कि अब नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, 7% विथ डिफरेंट सिम्टम्स है COVID-19 एमंग ड्राई कफ, स्नीजिंग, फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी एच, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वेयर इन होम क्वारंटाइन फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ डेज 14, 16, 20, 25, 30 to 41, ईच ऑफ देम लिव्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डेटा क्या है, एक डिजीज है, दूसरा डेज है, थर्ड आपका हाउस है और फोर्थ पर्सन है। हमारे पास इस प्रकार का डेटा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे जिसमें कि बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के साथ क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट रखते हैं। उससे क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को अलग रखने से क्या फायदा होगा आपको, क्या वो बार बार क्वेश्चन को नहीं देखना पड़ेगा, आपने जो इन्फॉर्मेशन जो निकाला है उसी के बेसिस पर आप प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। देखिए, हमारे पास टेबल जो है बन चुका है, इसमें पर्सन, डेज, सिम्टम, हाउस, रिमार्क्स, इसमें हम लोग जो है कि एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि जो भी आपके पास डेटा है पहले आप उसको लिख लीजिए, और जैसे जैसे उसका आपका यूज होते चले जाएगा आप उसको थ्रो आउट करते चले जाइए, उसको एलिमिनेट करते चले जाइए। तो देखिए, पर्सन में आपके पास कितने कितने लोग हैं, देखिए ये पर्सन में आप व्हाइट आउट कीजिए, जैसे जे हो गया, के हो गया, एफ, एच, जी, एल, ई, तो इतने सारे पर्सन। तो पर्सन को पहले हम अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पर जो है कि हम लोग पर्सन के लिए जो है कि यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन हमारे पास पर्सन है, फिर उसको हम लोग एलिमिनेट करते चले जाएंगे। तो पर्सन में आपका हो गया है ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, हमारे पास 7% है। नंबर ऑफ डेज भी उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं 41, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 32, 25, 22, 20, 16 और 14। अब हमारे पास जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स के बारे में भी लिख लेते हैं, इसको शॉर्टकट में ही लिखेंगे। जैसे ड्राई कफ है तो सिर्फ ड्राई लिखेंगे, क्योंकि वह मुझे यहाँ पर मेरा मेन मोटो है क्वेश्चन को सोल्व करना, क्वेश्चन को सोल्व जैसे भी हो। फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी एक को बॉडी ही सिर्फ लिखेंगे, और सोरनेस। हमारे पास इतने सारे, अब हाउस भी हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन सा हाउस हमारे पास है, जो कॉटेज, मेंशन, कैसल, डिटैच्ड और लास्ट में आपका है बंगलो। तो देखिए, हमारे पास जो है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर दिया हुआ था, आप देखिए जहाँ कहीं भी हमारे पास है, ये आप देखिए यहाँ पर 14, 16, 20, 22, 25, 32, 41, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है ये डेज के रूप में। फिर आपके पास जो है ये हाउस है, मैंसन, जनरेट, अपार्टमेंट, सारे को यहाँ भी लिख दिया ताकि एलिमिनेट हम लोग करते सके, नहीं तो बार बार क्या होगा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा तो आप भूल जाइएगा, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है आप एग्जाम में भेज कीजिएगा, उसको अलग से कहीं लिख लीजिएगा और प्रोसीड कीजिएगा, तो एक बार में क्वेश्चन बनने की संभावना है। संभावना क्या, 100% गारंटी कि एक बार में क्वेश्चन बनेगा, उसमें दोबारा आपको गलती नहीं होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए, देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है क्या चीज, द वन हु वाज क्वारंटाइन फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज वाज लिव्स इन कॉटेज। मतलब कॉटेज में कौन रहता है, जो सबसे ज्यादा दिन रहता है। तो सबसे ज्यादा दिन हमारे पास क्या है, ये 41 है, मतलब कि कॉटेज में कौन रहेगा, आप ही बताइए कॉटेज में कौन रहेगा, कॉटेज में आपका सिर्फ 41, कॉटेज में जो 41 डेज के लिए क्वारंटाइन हुआ है वो रहेगा। सेकंड लाइन है, जे वाज इन क्वारंटाइन फॉर 6 डेज लेस देन द वन हु वाज फीवर। जे
जे के लिए कैसे लिख सकते हैं? जे के लिए हम लिख सकते हैं कि जिसे फीवर था उससे 6 डेज कम जो है कि ये क्वारंटाइन रह चुका है। चलिए आगे, के है सोर थ्रोट एंड ही लिव्स इन अपार्टमेंट। के को क्या है? सोर थ्रोट है और ये कहाँ रहता है? अपार्टमेंट में रहता है। ठीक है, तो जैसा करते हैं पर्सन जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम सबको फिल कर देते हैं। जैसे जैसे हमें मिलते जाएगा इन्फॉर्मेशन वो हम करते चले जाएंगे। ई एफ जी एच एच जे के एल। तो हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए के को क्या है? सोर थ्रोट है और ये कहाँ रहता है? अपार्टमेंट में रहता है। तो के लिए सोर थ्रोट हम लोग डाल देंगे। सोर थ्रोट है और ये कहाँ रहता है? अपार्टमेंट में रहता है। चलिए अपार्टमेंट हो गया। अब आगे जो है कि हम लोग देखते हैं, द वन हु वन हैज बॉडी एक वाज इन क्वारंटाइन फॉर नंबर ऑफ डेज विच इज मोर देन के। मतलब कि जिसे बॉडी एक फैलते हुए बॉडी पेन था वो जो है कि ए से ज्यादा दिन तक क्वारंटाइन रहा। तो इसे भी हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे कि बॉडी को बॉडी सिर्फ लिखेंगे, बॉडी एज ग्रेटर देन क्या कर देंगे इसे एच। और एज कहाँ रहता है? बंगलो में रहता है। एज कहाँ रहता है? बंगलो में रहता है। ठीक है, तो एच जो है कि हमारा यहाँ पर बंगलो मिल गया तो बंगलो में डाल देते हैं। चलिए देखिए, एच लिव्स इन बंगलो, ये हो चुका है यहाँ तक। एफ डजंट लिव इन कॉटेज। एफ क्या है? कॉटेज में नहीं रहता है। तो रिमार्क्स कॉलम में वही लिखेंगे जो निगेटिव टर्म है। यहाँ पर क्या है? कॉटेज में नहीं रहता है। ठीक है, आगे देखिए, लिव्स इन डिटेच्ड हाउस, ये फुल स्टॉप है। चलिए, जी हैज हेडेक एंड ही लिव्स इन कैसल। जी क्या है? इसको हेडेक है। चलिए ठीक है, इसका भी सिम्टम लिख देते हैं। यहाँ पर हेडेक है और ये क्या है? लिव्स इन कैसल। चलिए, ये हमारे तक यहाँ तक हो चुका है। फिर देखिए, डिफरेंस इन नंबर ऑफ क्वारंटाइन डेज ऑफ जी एंड एल इज 10। जी और एल का बीच का डिफरेंस कितना है? 10 डेज है। तो इसे ऐसा कर सकते हैं हम कि जी माइनस एल इक्वल टू 10। तो आप देखिए, हमारे पास इतना सारा ये नंबर ऑफ डेज है, इसमें कौन सा दो है जिससे सबट्रैक्ट करने पर जो है कि 10 आएगा? तो हमारे पास दो ही, एक है ये 32 है और 22 है। यदि ये दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। तो निश्चित रूप से जी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? जी का वैल्यू आपका 32 हो जाएगा और एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22 हो गया। ये तो मेरे पास कन्फर्म है कि जी आपका, देखिए क्या है, जी एंड एल इज 10। डिफरेंस इन नंबर ऑफ क्वारंटाइन डेज ऑफ जी एंड एल इज 10। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये 22 रहे और ये 32 रहे। ये दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? 10 आएगा। चलिए, हमारे पास ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। द वन हु वाज इन क्वारंटाइन फॉर 22 डेज हैज सिम्टम। ठीक है, नीदर के नॉर एज वाज इन क्वारंटाइन फॉर लोवेस्ट नंबर ऑफ। देखिए, नीदर क्या लिखा हुआ है आपका? नीदर के नॉर एज वाज इन क्वारंटाइन फॉर लोवेस्ट नंबर ऑफ डेज। लोवेस्ट नंबर ऑफ डेज कितना है आपका? 14 है। इसका मतलब ये है कि आपका के और एच के लिए क्या है? 14 डेज नहीं आएगा। के और एच के लिए 14 डेज नहीं आएगा। तो के की जगह पर भी लिख देंगे हम लोग कि यहाँ 14 नहीं हो सकता, और एच की जगह पर भी लिख देंगे कि यहाँ भी 14 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि नीदर के नॉर एच ये वाज क्वारंटाइन फॉर लोएस्ट नंबर ऑफ डेज। वाज इन क्वारंटाइन फॉर सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये बाद में फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्वारंटाइन डेज ऑफ एफ एंड एच इज मोर देन 4। मतलब एफ और एच के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? ग्रेटर देन 4 है। एफ माइनस एच इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब हमारे पास है डिफरेंस इन द नंबर ऑफ क्वारंटाइन डेज ऑफ वन हु हैज ड्राई कफ एंड द वन हु हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज। ये ब्लैंक है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। जे हैज स्नीजिंग एंड ही लिव्स इन मैंसन। देखिए, जे के बारे में दिया हुआ है, तो जे को क्या है? स्नीजिंग है। ठीक है, ये कहाँ रहता है? मैंसन में रहता है। चलिए, मैंसन में रहता है। आगे देखिए, नीदर एल नॉर एच हैज ड्राई कफ। एल और एच को ड्राई कफ नहीं, तो ड्राई की
लिए क्या देखेंगे, सिर्फ ड्राई ही देखेंगे, इसको ड्राई नहीं है, एल और एच इसे भी ड्राई कफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ई डजंट हैव इधर बॉडी एक और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ई को क्या है, ना तो बॉडी पेन है और ना ही ये इसके ब्रेथिंग का प्रॉब्लम है, तो ठीक है ई के लिए वही लिख देंगे, ई के लिए आपका बॉडी नहीं है और शॉर्टनेस नहीं है, शॉर्टनेस नहीं है। चलिए ये हम लिख दिए। अब देखिए आगे, एज डजंट हैव फीवर, एज को क्या है, फीवर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हम ये कर देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे कि फीवर इसे नहीं है। चलिए आगे, द वन हु लिव्स इन टेंट वाज इन क्वारंटाइन फॉर मोर डेज देन द वन हु लिव्स इन डिटैच्ड हाउस। जी चलिए, तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ फ्लैट में जो रहता है वो क्या है, आपका ज्यादा दिन रहता है किसके अपेक्षा, डिटैच्ड हाउस के अपेक्षा, डिटैच्ड हाउस के अपेक्षा। तो हमारे पास देखिए अब क्या है कि हमें क्वेश्चन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास जो है अब पूरा डायग्राम कंप्लीट हमें करना है। देखिए अब नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो जो हमें मिल चुका है उसे एलिमिनेट कर, जैसे हेडेक है तो यहाँ से हेडेक को खत्म कर देंगे। चलिए फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद इसी तरह से सारे को क्या करेंगे, हम लोग एलिमिनेट करते चले जाएंगे। देखिए हेडेक खत्म हो गया, फिर स्नीजिंग है, स्नीजिंग भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। सोरनेस है, ये सोरनेस भी यहाँ पर से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखिए हाउस में भी देखिए, कैसल, बंगलो, मैंसन, अपार्टमेंट, तो यहाँ पर से ये भी हम लोग क्या करेंगे, मैंसन को एलिमिनेट कर देंगे, अपार्टमेंट को एलिमिनेट कर देंगे, कैसल को एलिमिनेट कर देंगे और बंगलो को एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास कितना बचा है आपको लिए, हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 फोर जो है कि आपका सिम्टम बचा है और यहाँ पर 3 जो है कि आपका हाउस बचा हुआ, बाकी तो आपको फिट हो चुका है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप ही बताइए यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी और एल से। जी कितना है आपका, देखिए जी और एल इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है। तो दो पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि जी इधर 32 होगा तो एल 22 होगा, और जी 22 होगा तो एल 32 होगा। तो चलिए ऐसे ही लेकर के चलते हैं, तो जी को कर देते हैं ऐसे 32 या फिर 22, तो एल आपका क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपका हो जाएगा 22 या 32। इसका मतलब है कि अगर जी 32 रहता है तो एल 22 रहेगा, जी आपका 22 रहता है तो एल 32 रहेगा, हमें पता नहीं कि किसके लिए कौन सा भी आएगा। तो चलिए अब हमारे पास जो है ये दिया हुआ है कि देखिए फीवर, यहाँ पर देखिए जे जे जो है जिसको फीवर है उससे 6 डेज कम है, 6 डेज कम है, तो 6 किस में डिफरेंस आएगा, आप नंबर ऑफ डेज में देखिए किसको सब्ट्रैक्ट करने से 6 आएगा। तो जैसे देखिए 22 हो गया और 16 हो गया, इसको भी डिफरेंस 6 आता है, ये 20 और ये 14, इसका भी डेज 6 आता है। तो निश्चित रूप से फीवर के लिए हमारे पास इसमें क्या पेयर बन सकता है, इसमें पेयर बन सकता है 22 और 16 का, और एक और पेयर क्या बन सकता है आपका 20 और 14 का, 20 और 14 का हमारे पास कुछ ही इस प्रकार से पेयर बन सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से किसी को एलिमिनेट करना होगा, 14 या फिर ये। देखिए जे के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप देखिए जे जो है स्नीजिंग है और ये मैंसन में रहता है, ठीक है, और जे क्या है फीवर वाले से कितना है 6 कम है, ठीक है। अब देखिए कॉटेज के बारे में पहले देख लेते हैं, कॉटेज यहाँ नहीं आएगा, ये सब पूरा फील्ड है, और यहाँ पर एल के लिए क्या दिया हुआ है, एल के लिए ये ड्राई दिया हुआ है, इसको क्या है, इसको ड्राई कफ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है कि कॉटेज के लिए सिर्फ एक पोजीशन बचता है और वो है ये,
क्यों? क्योंकि कॉटेज जो में जो रहता है उसको क्या है 41 डेज के लिए क्या है सबसे हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट डेज के लिए क्वारंटाइन रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ई हो गया 41 डेज, ये कंफर्म है, और ये आपका आया कॉटेज। अब देखिए ये कॉटेज हो गया, तो यहां से कॉटेज को भी हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, ये चैलेंज बचा है और डिटेच बाउंड डिटेच बचा है, ठीक है, हमारे पास दो है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जे क्या है, जे को फीवर वाले से 6 कम है, और जिसे बड़ी पेन है वो क्या है एच से क्या है बड़ा है, एच से क्या है बड़ा है, मतलब एच जितने दिन क्वारंटाइन रहता है उससे ज्यादा दिन आपका बड़ी वाले का रहता है। तो एच के बारे में हमें कुछ पता है, देखिए एच में तो 14 आ नहीं सकता है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ 14 नहीं हो सकता है, 14 यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 14 अब कहाँ होगा आप ही बताइए, यहाँ तो 32 या 22 होगा, यहाँ पर 32 या 22 होगा, तो निश्चित रूप से आपका 14 किस में आएगा आप ही बताइए। 14 के लिए सिर्फ एक ही पोजिशन बचता है और वो ये है जे, जे हो गया आपका 14। तो आप देखिए जे अगर 14 हो गया है, जे अगर 14 हो गया तो फीवर जिसको है उसके लिए कितना होगा, 14 है तो ये पेयर काम करेगा, मतलब जिसको फीवर है उसके लिए क्या आएगा 20 आएगा। तो फीवर किसे है ये पता करना पड़ेगा, तो ये तो कंफर्म हो गया हमारे पास। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है जिसे फीवर होगा उसके लिए क्या होगा 20 डेज क्वारंटाइन रहेगा, ये हमारे पास एक कंफर्म डेटा आ चुका है। तो अब देखते हैं फीवर, फीवर किस में आएगा आप देखिए, देखिए इसमें तो आपका जो है ना फीवर के, देखिए इसमें वर्डी है, सोरनेस नहीं हो सकता है, ठीक है, और ये ड्राई है, इसको फीवर नहीं है, फिर देखिए इसमें भी ड्राई नहीं आ सकता, तो ड्राई कहाँ हो सकता है, ड्राई के लिए ये पोजीशन नहीं हो सकता है, ड्राई के लिए ये पोजीशन नहीं हो सकता, तो ड्राई के लिए कौन सा पोजीशन बचता है, इधर ये होगा या फिर ये होगा, यही तो है ना, दो ही चीज़ है कि ड्राई के लिए सिर्फ हमारे पास दो पोजीशन बचता है, या तो ड्राई इसमें होगा या फिर ड्राई इसमें होगा। तो सपोज कीजिए ये फाइंड आउट करते हैं कि ये और ये दोनों में से किस में ड्राई होगा। तो आप देखिए अगर हम F के लिए लेते हैं तो F से रिलेटेड कुछ है, देखिए F और H जो है इसमें क्या है डिफरेंस क्या है, 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप देखिए 4 से ग्रेटर किस में आएगा, ए ई के लिए तो कितना है 41 दिया हुआ, तो 41 से तो 4 के अप्रोक्स जो है कि सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एज के लिए जो बंगला दिया हुआ है ये बॉडी जो है कि ग्रेटर है, अब बॉडी जो है कि बॉडी तो इसमें आ नहीं सकता है, ठीक है, तो बॉडी किस में आएगा, अगर बॉडी इसमें आएगा तो भी एज, एज क्या है, एज के लिए हमारे पास क्वारंटाइन डे का पता नहीं है, और एज क्या है यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, जैसे आप देखिए एच के लिए क्या दे गया है, एच जो है कि आपका बंगलों में रहता है, ठीक है, तो बंगलों में रहता है इसका मतलब ये है कि बॉडी जिसको पेन है वो बंगलों में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ये लिख सकते हैं कि इसमें बॉडी भी नहीं रहेगा, ये बॉडी भी नहीं होगा। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर बॉडी हो नहीं सकता है, यहाँ पर बॉडी हो नहीं सकता है, और ये क्या है बॉडी जो है कि एच से ग्रेटर है, तो बॉडी के लिए कौन सा पोजिशन बचता है, बॉडी के लिए सिर्फ एक पोजिशन बचता है, और ये क्या है आपका एल हो जाएगा, तो यानी कि बॉडी एक जो है, बॉडी एक जो है कि इसमें आएगा। चलिए ये बॉडी एक हो गया, तो बॉडी एक यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है ड्राई, फीवर और शोर, शोर तो हमारे पास एलिमिनेट हो चुका है, तो हमारे पास क्या है दो पोजिशन है। चलिए एक्चुअली सोरनेस था, सोरनेस, चलिए के लिए ये शो करते हैं, हमारे पास जो है कि ये भी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये है और ये है। अब देखिए इसके लिए फिट करते हैं, देखिए ई के लिए क्या है, ई में तो बॉडी आएगा नहीं, शॉर्टनेस आएगा नहीं,
तो ई में अब क्या आएगा? और यहाँ पर देखिए ड्राई है, फीवर है, तो फीवर तो इसमें भी आएगा नहीं। जब फीवर इसमें नहीं आएगा तो फीवर के लिए कौन सा पोजीशन बचता है? फीवर के लिए आपके पास जो है कि सिर्फ दो पोजीशन बचता है। क्यों? क्योंकि फीवर के लिए देखिए आपके पास क्या है, एक पेयर दिया हुआ कि फीवर को 20 होना चाहिए। तो 20 कहाँ है? यहाँ पर तो 41 है, तो यहाँ पर तो फीवर आएगा नहीं। और यहाँ पर 32 है, यहाँ पर है आपका 22 और 32 है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है 20 किस में आएगा? 20 के लिए सिर्फ एक जगह बचता है ये। जैसे ही ये 20 हुआ तो निश्चित रूप से इसका क्या हो जाएगा, सिम्टम फीवर। अब इसको फीवर का सिम्टम हो गया, तो फीवर भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब फीवर यहाँ से डिलीट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? अब हमारे पास सिर्फ दो बचा है, एक ड्राई बचा हुआ है और दूसरा जो है आपका ये शॉर्टनेस बचा हुआ है। ये जो थ्रोट था इसको आप शॉर्टनेस कर सकते हैं, इसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, तो यहाँ पर शॉर्टनेस कर सकते हैं, इसको शॉर्ट लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शोर और ये शोर में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो चलिए ये शॉर्ट हो गया। अब देखिए शॉर्ट किस में आएगा, आप ही बताइए। इसमें तो शॉर्टनेस है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या चाहिए कि शॉर्टनेस इसमें नहीं आ सकता। तो शॉर्टनेस के लिए कौन सा स्पेस बचता है? सिर्फ एक स्पेस बचता है ये। तो शॉर्टनेस किस में हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शॉर्टनेस। तो शॉर्टनेस जब इसमें आ गया तो आप बताइए इसमें जो सिर्फ एक बचा है वो क्या बचा है? वो सिर्फ ड्राई बचा है। तो ड्राई इसके लिए हो गया। तो अब हमारे पास जो है कि सारा सिम्टम जो है कि क्लियर हो चुका है, सारे सिम्टम हमारे पास आ चुके हैं। अब बात आती है इसकी, अब इसमें कन्फ्यूजन है कि जी और एल में कौन होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है कि इधर 32 होगा या फिर 22 होगा या फिर 22 होगा या 32 होगा। लेकिन यदि हम लेते हैं यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए एल के लिए, यहाँ पर सपोज कीजिए एल के लिए हम जो है कि 22 को चूज करते हैं। तो 22 को अगर हम एल के लिए चूज किए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि जो बर्डी है, जिसको बर्डी पेन है, वो क्या होगा, एच से बड़ा होगा। तो एच का हमारे पास कितना वैल्यू बचता है? एच के लिए तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू बचता है, एक 22 बचता है और एक 25 बचता है, और कौन सा वैल्यू बचता है, और 16 बचता है। तो क्या ये बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, 22 तो इसे बड़ा होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बॉडी जो है कि एज से बड़ा है। तो एज से जब बड़ा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, आपका 32 होगा, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर 32 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक ये आपका 32 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 22। जब ये 22 हो गया तो आप देखिए एल क्या है, किससे बड़ा है, एल आपका ये जो एच है उससे बड़ा है। अब हमारे पास दो पोजीशन बचता है, क्या है, ये एच के लिए फाइंड आउट करना है और के लिए फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी एलिमिनेट हम लोग कर देते हैं, 41 हमारा एलिमिनेट हो चुका है, 20 हमारा एलिमिनेट हो चुका है, 22 भी एलिमिनेट हो चुका है, और फिर 14 भी एलिमिनेट हो चुका है। तो हमारे पास कितना पोजीशन बचा है, ये 32 भी एलिमिनेट हो चुका है, तो 25 और 16 ये दो पोजीशन बचा है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर रखते हैं 25 या फिर होगा 16, यहाँ पर उसी तरह से होगा 25 और 16, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास आएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वैल्यू आएगा। तो देखिए अब फिर हम चलते हैं अपने ये क्वेश्चन, ये हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ओर, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो जैलेट है वो क्या है, वो डिटैच्ड हाउस से बड़ा होगा। तो आप ही बताइए डिटैच्ड हाउस से बड़ा होगा, हमारे पास सारा हाउस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ दो ही बचा हुआ, तो कौन बड़ा है, ये 20 बड़ा है या फिर 32 बड़ा है? तो निश्चित रूप से 32 बड़ा है। तो 32 बड़ा है तो चैलेट किसके लिए आएगा, ये 32 के लिए आएगा, ये तो कन्फर्म है आपको। तो ये आपका हो जाएगा 32 और ये आपका हो जाएगा 20। तो चलिए ये 20 जो है ये डिटैच्ड हाउस के लिए हो गया,
ये डिटेच्ड हाउस के लिए हो गया और ये आपका हो गया, और ये आपका हो गया किसके लिए? ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है एच, ये एच और आपका ये के, ये दो में फाइंड आउट करना है कि किसके लिए क्या होगा। एच के लिए भी 25 और 16 हो सकता है, के लिए भी 25 और 16 हो सकता है। तो देखिए एफ का जो वैल्यू है वो क्या है, एच से बड़ा होगा। एच से कितना बड़ा होगा? 4 से ज्यादा होगा। तो एच का वैल्यू कितना है? एज का वैल्यू 25 और 16 है। चलिए एज का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 25 और 16। और हमारे पास एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एफ का वैल्यू दिया हुआ है आपका, एफ का वैल्यू है 20। और हमारे पास ये जो दिया हुआ है एफ माइनस एज इज ग्रेटर देन 4। एफ क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एज होना चाहिए। तो एफ अगर ग्रेटर देन एच होता है तो आप बताइए एफ का कौन सा वैल्यू रहेगा? एफ का तो फिक्स्ड है 20, तो निश्चित रूप से एच का कौन सा वैल्यू रहेगा? 16। एच का कौन सा वैल्यू रहेगा? 16। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक 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 जगह और भी प्रॉब्लम है। एक जगह क्या प्रॉब्लम है, जैसे एफ माइनस एच है तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस दिया हुआ है कि एफ और एच का। तो ऐसा भी हो सकता है कि एफ जो है आपका 20 है और एच आपका कितना है? 16। इस केस में भी हमारे पास जो है डिफरेंस कितना आता है? 4 डेज आता है, 4 डेज आता है। समझे? यहाँ पर भी क्या आता है? 4 डेज आता है। और यहाँ पर अगर एच को हम रखते हैं कितना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप ही बोलिए, ग्रेटर देन 4। यहाँ पर एग्जैक्टली आता है 4 डेज, यहाँ पर कितना आता है? एग्जैक्टली आता है 4 डेज, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 होने के लिए निश्चित रूप से ये एज का वैल्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए। तो एज का वैल्यू ग्रेटर में क्या आएगा? एज का वैल्यू निश्चित रूप से आपका ये 25 आएगा। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि एज का वैल्यू क्या आएगा? 25 आ गया। तो देखिए यहाँ पर अब इलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से एज का वैल्यू 25, तो ये 16 खत्म हो गया। तो जैसे ही 16 खत्म हुआ तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, तो हमारा वैल्यू ये हो गया। इस तरह से हमारा ये देखिए पूरा डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश कर लेते हैं। फ्रेश करके हम लोग जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व। हमारा पहला क्वेश्चन है विच पर्सन विल फिल ब्लैंक फर्स्ट। तो ब्लैंक फर्स्ट हम देखते हैं कहाँ है हमारे पास, ये यहाँ पर ब्लैंक फर्स्ट। आप बोलिए एफ डजंट लिव इन कॉटेज, ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। इसके बाद देखिए लिव्स इन डिटेच्ड हाउस, तो डिटेच्ड हाउस में कौन रहता है? आप देखिए आपका डिटेच्ड हाउस में रहता है एफ। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? एफ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ, यहाँ भी आप लिख दीजिए पहले का आंसर एफ। सेकंड क्वेश्चन विच पर्सन विल फिल ब्लैंक सेकंड। सेकंड हमारा ब्लैंक कहाँ है? सेकंड ब्लैंक यहाँ है। देखिए यहाँ पर है वाज इन क्वारंटाइन फॉर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन है? फर्स्ट तो ये है, सेकंड कौन सा है? तो 32 है। तो विच पर्सन हो गया हमारा एल हुआ, तो एल जो है कि हमारा सेकेंड हाईएस्ट डेज के लिए रहा है, तो यहाँ पर एल हो जाएगा, यहाँ भी आप लिख लीजिए एल। विच डेज विल फिल ब्लैंक थर्ड। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे बॉडी पेन था, बॉडी एक था, उसको कितने दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये टेबल्स, देखिए बॉडी कहाँ है, बॉडी आपका ये देखिए यहाँ कितने दिन से क्वारंटाइन किया गया है, इसे 32 डेज के लिए किया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 32। और यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 32। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन विच सिम्पटम विल फिल ब्लैंक 4। ब्लैंक 4 हमारा क्या है? ये इसमें क्या लिखा हुआ है, जो 22 डेज के लिए क्वारंटाइन हुआ है वो कौन सा है? तो 22 डेज के लिए जो क्वारंटाइन हुआ है ये कौन है आपका? देखिए ये जी है। कौन सा है? जी। तो इसका आंसर क्या होगा? जी।
और ये किस से सिम्टम से है, तो हेडेक। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा सिम्टम है इसका, तो हेडेक का सिम्टम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेडेक। चलिए ये हो गया आपका फोर्थ, ये सिम्टम है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं हेडेक, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हेड सिर्फ ले देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच डेज विल फिल ब्लैंक फाइव। ब्लैंक फाइव हमारे पास क्या है, देखिए ब्लैंक फाइव ये है हमारे पास ब्लैंक फाइव, इसमें क्या लिखा हुआ, डिफरेंस इन नंबर ऑफ क्वारंटाइन डेज ऑफ द वन हु हैज ड्राई कफ एंड हु हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब कि हमारे पास क्या बोल रहा है कि ड्राई माइनस शॉर्टनेस, तो ड्राई के नंबर ऑफ डेज कितना है, ये देखिए 41 है, और शॉर्टनेस के लिए कितना है, ये आपका 25 है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 41 और माइनस कितना 25 इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर 16। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा पजल है। तो आजकल जो है कि ट्रेंड आपका कुछ इसी ढंग का हो गया है, पहले के ट्रेंड जो थे वो सिंपल क्वेश्चन रखते थे, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ हो गया, वैकेंसी कम रही है, तो इसलिए जो है कि अब पजल जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आने लगा है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो के क्वेश्चन हैं, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, हाई लेवल रीजनिंग क्वेश्चन हैं, आप उनको ट्राई कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए तो यहीं पर आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।